हेलो स्टूडेंट, एडवांस एचटीएमएल के 10th क्लास में आज हम लोग क्रिएटिंग टेबल्स इन एचटीएमएल को पढ़ने वाले हैं, जबकि पिछले क्लास में हम लोगों ने फॉर्म फील्ड को प्रैक्टिकल करके देखा था। तो चलिए बिना देरी किए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जे आई ग्रुप कुल परिवार का हिस्सा भी बन सके। और बहुत जल्दी आपके लिए इस चैनल के ऊपर डीसी का कोर्स भी आने वाला है, तो आप उस कोर्स का भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये कोर्स बिल्कुल फ्री होने वाला है, इस कोर्स के बदले आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे उस कोर्स को भी जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ, क्रिएटिंग टेबल्स इन एचटीएमएल। तो आज का हमारा टॉपिक रहना है टेबल्स को एचटीएमएल के अंदर क्रिएट करना। टेबल बेसिकली होता क्यों है, क्या होता है? हम अपने वेब पेज के ऊपर कोई डाटा को अरेंज फॉर्म में शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले टेबल टैग्स को देखते हैं। टेबल टैग, ये देख सकते हैं टेबल का स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इज द मेन टैग विद इन द विच टेबल इज डिफाइंड। ये आप जो टेबल टैग देख रहे हैं ये हमारा मेन टैग है और ये टेबल को डिफाइन करता है। यही टैग है जो बताता है हमारे वेब पेज को कि इन सारे कंटेंट को टेबल में दिखलाना है। मतलब कि इन टैग्स के बीच में अब जो भी हम लिखते हैं उसे ये टेबल के रूप में आपको दिखाता है। टेबल रो, टी आर, टेबल रो। रो क्या होता है, आप हर टेबल में देखते होंगे एक रो और एक कॉलम होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये टेबल रो है, उसका टैग है टी आर और ये उसका क्लोजिंग टैग है। अ स्टैक डिफाइन वन रो ऑफ द टेबल, ये क्या करता है हमारे एक रो, हमारे टेबल के एक रो को डिफाइन करता है। ऑन अ वेब पेज यू नीड टू डिफाइन द टेबल वन रो एट अ टाइम। आपको अगर आप टेबल बना रहे होते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है अपने टेबल में एक रो तो जरूर दिखाएं। टेबल डाटा, अब टेबल डाटा क्या होता है और उसे हम लोग टी डी, उसका जो टैग होता है वो टी डी होता है। टैग स्पेसिफाई इज सेल ऑफ द रो, ये जो है प्रत्येक सेल, जो रो होते हैं उसके प्रत्येक सेल को स्पेसिफाइड करता है ये। और टेबल हेडर, इसका टैग है टी एच। टैग इंप्लाइज द सेल इज अ हेडर कॉलम, ये क्या करता है हमारे वेब पेज को बताता है कि ये जो आपका जो रो है वो टेबल का हेड है। अगर आपने कभी स्कूल में कोई टेबल बनाया हुआ तो आप उसे ऊपर डिफाइन करते होंगे। अगर आप एग्जांपल के तौर पे अगर अपने क्लास के अटेंडेंस को ले लें तो एक तरफ आपका नेम, फिर रोल नंबर और फिर आपका प्रेजेंटेशन बना हुआ रहता है। ये भी बिल्कुल एक टेबल की तरह है जिसमें आपका नाम एक रो के अंदर डिफाइन किया रहता है, दूसरी रो में आपका रोल नंबर और फिर बाकी आप कितने बार प्रेजेंट हुए हो, कितने दिन अब्सेंट हुए हो, उसे डिफाइन किया रहता है। तो जो आप ऊपर नेम, रोल नंबर और अटेंडेंस, आप ये तीन चीज देख रहे हो उसे हम टेबल का हेड कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे अटेंडेंस में वो टेबल का हेड है और उसे हम डिफाइन टी एच की मदद से करते हैं। अगर हम उस टेबल को, अगर हम उस अटेंडेंस को अगर अपने वेब पेज के ऊपर बनाते हैं तो उस नेम, रोल नंबर और अटेंडेंस, ये तीन को हम डिफाइन करेंगे टी एस के अंदर। बाय डिफॉल्ट इट इज बोल्ड एंड सेंटर अलाइंड, ये बाय डिफॉल्ट बोल्ड होता है और सेंटर अलाइंड होता है। सेंटर अलाइंड का मतलब उसका जो टेक्स्ट होगा, जो भी आप टी एस के अंदर लिखते हो, वो हमारे सेल के बिल्कुल सेंटर में शो करेगा। व्हाट यू कैन चेंज इट थ्रू एट्रीब्यूट्स, पर आप इसे चेंज भी कर सकते हो एट्रीब्यूट्स की मदद से। एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग्स, अब हम टेबल टैग्स के एट्रीब्यूट को जानते हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट, तो सबसे पहला है बॉर्डर एट्रीब्यूट। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू इंसर्ट लाइन ऑन द फोर साइड ऑफ टेबल कॉल्ड बॉर्डर। ये जो एट्रीब्यूट है वो यूज किया जाता है हमारे टेबल के चारों तरफ बॉर्डर देने में, इसलिए हम इसे बॉर्डर एट्रीब्यूट कहते हैं। विच इज स्पेसिफाइड इन द फिक्सल, और इसे हम फिक्सल में डिफाइन करते हैं। फ्रॉम जीरो टू एनी नंबर, इसका स्टार्टिंग जीरो से होता है और कोई भी नंबर तक जा सकता है। अलाइन एट्रीब्यूट, अलाइन एट्रीब्यूट का क्या काम होता है,
This attribute is used to placing the table on the web page. ये जो है हमारे वेब पेज के ऊपर हमारे टेबल को प्लेस करने के लिए यूज किया जाता है. एंड द वैल्यू इज सेंटर राइट और लेफ्ट. अब इसका वैल्यू जो होता है वो सेंटर होता है, राइट होता है या लेफ्ट हो सकता है. मेरा मतलब है कि अगर आप अपने वेब पेज के ऊपर अगर कोई टेबल को डिफाइन किए हो तो आप इस टेबल को कहाँ शो करना चाहते हो, अपने वेब पेज के राइट में या फिर अपने वेब पेज के लेफ्ट में या फिर सेंटर में. वाइड एट्रीब्यूट. और वाइड एट्रीब्यूट क्या होता है? द एट्रीब्यूट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द विड्थ ऑफ द टेबल इन द कंपैरिजन टू द वेब पेज. ये जो है हमारे टेबल के ब्रेथ को सेट करता है. और ये किसके कंपैरिजन में? हमारे वेब पेज के, हमारे पूरे वेब पेज के कंपैरिजन में हमारे टेबल का ब्रेथ सेट करता है. बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट. बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट क्या होता है? The attribute is used to change border color. ये जो है हमारे border color को change करने के लिए use में आता है. It is set its default gray. और ये by default gray set होता है. Means हमारा जो border color होता है वो by default gray set होता है. और अगर आप उसे change करना चाहते हो तो उसके लिए आपको attribute border color इस्तेमाल करना होगा. तो हम busy color की बात करते हैं. Busy color attribute. This attribute is used to set the background color of the table and the value is name hex etc of the color. Busy color क्या होता है? ये हमारे table के background के color को define करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और इसका value name हो सकता है, hex हो सकता है, of the color. इसके तो हमारे color के name हो सकते हैं या फिर color के आप hex को define कर सकते हो. तो ये हमारे busy color attribute के value हो सकते हैं. अब हम बात background की करते हैं. This attribute used to set picture as the background. Background क्या करता है? अगर आप कोई picture को अपने background के तौर पे use करना चाहते हो of the table, tables के, तो आप background का इस्तेमाल करोगे. And the value is path or the address of the image. और value क्या क्या हो सकते हैं? या तो image के path हो सकते हैं या address हो सकते हैं. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये सारे background color, busy बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स ये सब मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर रखा है. ये मैं आपको यूनिवर्सली यूज करके दिखाया था. अब मैं आगे की क्लास में जो अगला क्लास आएगा उसमें मैं आपको इसे पार्टिकुलर एलिमेंट मतलब हम अपने टेबल के ऊपर इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा. तो अब हम बात करते हैं TH और TD एलिमेंट की. TH एलिमेंट क्या होते हैं? द TH एलिमेंट हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग अ टेबल हेडर. ये TH एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे टेबल के हेडर को आइडेंटिफाई करते हैं. द टेक्स्ट इज बोल्ड फेस. और जिसका जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड फेस होता है एंड सेंटर अलाइन. और ये सेंटर अलाइन होता है. TD एलिमेंट. TD एलिमेंट क्या होते हैं? द TD एलिमेंट आइडेंटिफाई द डाटा इन अ सेल ऑफ द टेबल. ये जो TD एलिमेंट होते हैं वो हमारे डाटा को आइडेंटिफाई करते हैं. जो हमारे सेल होते हैं टेबल्स के उनके डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग टीडी का इस्तेमाल करते हैं. दिस टेक्स्ट विल अपीयर इन रेगुलर फॉन्ट. ये जो होते हैं ये रेगुलर फॉन्ट ही होते हैं और लेफ्ट अलाइन और उन वो लेफ्ट अलाइंड होते हैं. अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? अलाइन. दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट इनसाइड द सेल रादर देन द टेबल. तो ये जो है हमारे टेक्स्ट को अलाइन करते हैं हमारे सेल के अंदर कि वो हमारे सेल के अंदर राइट शो करेगा या लेफ्ट शो करेगा. इससे हमारे टेबल से कोई मतलब नहीं होता. हम टेबल को राइट लेफ्ट कहीं भी सेट कर सकते हैं. जबकि अगर हम इसके अंदर TH या TD के अंदर कोई एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, अलाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे टेक्स्ट को राइट लेफ्ट सेंटर अलाइन कर सकते हैं. वी अलाइन. This attribute is used to align the text vertical. वैसे V align का मतलब होता है vertical align और इसका use होता है हमारे text को vertical align करने में. And its value is top, middle and bottom. और इसके जो value है वो top, middle और bottom हो सकते हैं. आप अपने cell के top पे show करना चाहते हो अपने text को या middle में या bottom में, आप V align की मदद से उसे vertically align कर सकते हो. No wrap. This attribute doesn't allow the text wrap to the next line of the cell. ये जो है हमारे text को next line में
रैप करने से रोकता है, ये अलाउ नहीं करता। द टेक्स्ट विल शोन इन द वन स्ट्रेट लाइन, और जो आपका जो टेक्स्ट है वो एक लाइन में ही शो करेगा। अगर आप नो रैप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपका टेक्स्ट है वो एक लाइन के अंदर शो करेगा, वो दूसरे लाइन में जंप नहीं करेगा। कॉल स्पैन, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू मर्ज द कॉलम्स ऑफ द रो। यहाँ पे आप देख सकते हैं COL, ये यहाँ डिफाइन करता है कॉल, और ये कॉलम को डिफाइन करता है। कॉल स्पैन, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू मर्ज द कॉलम ऑफ द रो। ये जो एट्रीब्यूट है हमारे कॉलम जो होते हैं रो के, उसे मर्ज करने में काम आता है। इट इज यूज विथ बोथ TH एंड TD एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट के साथ यूज किया जा सकता है। और इसी तरह से रो स्पैम, आप इसके साथ मदद से आप क्या कर सकते हैं, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू अक्रॉस मोर देन वन रो, ये जो है एक से दो रो तक मर्ज किया जाता है। इट मर्ज सेल, ये जो है हमारे सेल्स को मर्ज कर देते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज विथ बोथ, और ये भी दोनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, TD और TH एलिमेंट के साथ। तो अब हम आगे बात द कैप्सन टैग की करने वाले हैं। द कैप्सन टैग इज यूज टू प्रोवाइड द टेक्स्ट एज हेडर और फुटर ऑफ द टेबल, ये जो है कैप्सन टैग जो है हमारे टेबल को कोई टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, या तो हेडर पे या फुटर पे। अगर आपने कभी कोई किताब देखा हो तो आपने कभी नोटिस किया होगा उस किताब में जो पिक्चर बने होते हैं उसके नीचे एक लाइन कुछ लिखा होता है, जिसमें वो हो सकता है अगर आप साइंस का बुक यूज कर रहे हो तो आपको फिगर नंबर 1, एक्टिविटी 1, इस तरह से वहां पे लिखा रहता है। तो वो डिफाइन करता है कि वो पिक्चर कितने नंबर का है, उस पिक्चर में क्या शो किया गया है। तो ये एक तरह से उस पिक्चर का कैप्शन होता है। तो कैप्शन टैग का काम क्या होता है कि हमारे जो टेबल होते हैं ओवरऑल टेबल, उसके हेडर में या फुटर में लगकर, अगर आप उसे हेडर पे लगाना चाहते हैं मतलब टेबल के टॉप पे लगाना चाहते हैं तो आप टॉप पे लगा सकते हैं, फुटर मतलब टेबल के सबसे नीचे लगाना चाहते हैं तो उसका फुटर, तो आप उसे डिफाइन कर सकते हो एक लाइन में, दो लाइन में, कि आप बेसिकली उस टेबल के ऊपर दिखाए क्या हो, आप उस टेबल की मदद से कहना क्या चाहते हो। तो आप इस तरह से इस कैप्शन का इस्तेमाल करते हो। इट इज जनरली इन द बोल्ड, और ये जनरली बोल्ड होता है, एंड एट द सेंटर विद द रिस्पेक्ट ऑफ द टेबल, और ये जो टेबल होता है अगर आपका टेबल कुछ इस तरह का है तो ये बिल्कुल सेंटर में आपको शो करेगा, मतलब अगर आप फुटर में लगाते हो तो फुटर में, और अगर आप हेडर में लगाते हो तो हेडर में, ये बिल्कुल सेंटर पे शो करेगा। विद द रिस्पेक्ट ऑफ द टेबल एंड द पोजिशन कैन आदर विद द टॉप और द बॉटम ऑफ यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट, और आप इसके पोजिशन को कैसे सेट कर सकते हो अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से, ये टॉप पे या बॉटम पे आप इसे अलाइन कर सकते हो। टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट टैग, अब ये तीनों टैग के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। द टी हेड टैग इज यूज टू द ग्रुप हेडर कंटेंट इन HTML टेबल, जो टी हेड टैग होते हैं वो हेडर के ग्रुप जो होते हैं उसे कंटेन करते हैं HTML टेबल्स के अंदर। द टी बॉडी टैग इज यूज टू ग्रुप द बॉडी कंटेंट इन द HTML टेबल, और ये जो टी बॉडी टैग है ये हमारे जो टेबल के जो बॉडी होते हैं उसे कंटेंट करते हैं। एंड द टी फुट टैग इज यूज टू ग्रुप फुटर कंटेंट इन द HTML टेबल, और ये जो टी फुट है वो हमारे फुटर कंटेंट के ग्रुप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अगर कोई मार्कशीट बना रहे हो तो आप सबसे ऊपर टी हेड, हमारा टी हेड क्या होगा, जो हमारा हेडर कंटेंट होगा। तो हेडर कंटेंट आप अगर सब्जेक्ट, अगर कोई मार्कशीट बना रहे हो तो आप सबसे ऊपर आप उसे सब्जेक्ट और मार्क्स को डिफाइन करोगे, तो वो हमारा टी हेड के अंदर आता है। अब टी बॉडी क्या होगा, आपने सब्जेक्ट और मार्क्स तो डिफाइन कर दिया, अब आप उसके टी बॉडी में क्या डिफाइन करोगे, सब्जेक्ट का नाम, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, और मार्क्स में आप क्या डिफाइन करोगे, आपने कितने मार्क्स को गेन किया। अगर आप 40 मार्क्स साइंस में गेन कर रहे हो, अगर इंग्लिश में आप 50 मार्क्स गेन कर रहे हो, और अगर आप हिंदी में 20 मार्क्स गेन कर रहे हो, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारा टी बॉडी हो गया, जो हमने सब्जेक्ट और मार्क्स लिखा। अब टी फुट क्या होता है,
जो टी मंथ, अब जब आप मार्कशीट कंप्लीट करना चाहोगे तो आप नीचे उसका टोटल तो लिखोगे, अब जहाँ सब्जेक्ट लिखे हो उसके नीचे टोटल लिखोगे, और उसमें ही आप टोटल लिखोगे, और फिर उसे टोटल जो आप जो मार्क्स गेन किए हो आप उसे ऐड करके सबसे नीचे लिखोगे। तो वो जो हमारा होता है वो फुटर कंटेंट होता है। ये एक तरह से बेसिक एग्जाम्पल है, इसे मैं आगे प्रैक्टिकल क्लास में और भी क्लियर कर दूंगा। दिस टैग्स आर यूज टूगेदर इन HTML टैग। ये जो तीन टैग हैं इन्हें एक साथ टेबल टैग के अंदर यूज किया जा सकता है। तो अब हम आ चुके हैं आज के अपने क्वेश्चन टाइम में। तो आज आपसे मेरा पहला सवाल है, टी आर ओपनिंग एंड टी आर क्लोजिंग टैग डिफाइन ऑफ द टेबल। ये जो है दोनों टैग क्या डिफाइन करते हैं हमारे टेबल्स के, कॉलम को, रो को, हेडर को या फुटर को। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा रो। जो टी आर टैग होते हैं वो हमारे रो को डिफाइन करते हैं। तो आपसे दूसरा सवाल है, ब्लैंक्स एट्रीब्यूट यूज टू सेट पिक्चर एज द बैकग्राउंड ऑफ द टेबल। वो कौन सा एट्रीब्यूट है जो हमारे पिक्चर को एज अ बैकग्राउंड सेट करता है हमारे टेबल्स में। बैकग्राउंड कलर, बिजी कलर, बैकग्राउंड और नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट है जो हमारे पिक्चर को एज अ बैकग्राउंड सेट करते हैं। तीसरा सवाल है, विच इज द वैल्यू ऑफ विलाइन एट्रीब्यूट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वैल्यू विलाइन एट्रीब्यूट की है, टॉप, मिडल, सेंटर, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। विलाइन एट्रीब्यूट की ये तीनों ही वैल्यू हैं। तो आपसे चौथा सवाल है, द एट्रीब्यूट विच विल शोन द टेक्स्ट इन वन स्ट्रेट लाइन। वो कौन सा एट्रीब्यूट है जो आपके टेक्स्ट को वन स्ट्रेट लाइन में शो करता है। वी अलाइन, कॉल स्पैन, नो रैप, रो स्पैन। तो इसका आंसर होगा नो रैप। तो आज आपसे मेरा सवाल है, द फर्स्ट नोन कंप्यूटर प्रोग्रामर वाज अ वुमेन। जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी वो एक औरत थी, हर नेम वाज, और आज आपको उसका नाम बताना है। तो वो कौन सी औरत थी जो पहली नोन कंप्यूटर प्रोग्रामर है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको अगले क्लास में बताऊंगा। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट सच ऑनलाइन क्लासेस एंड चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट, एंड योर नोट्स आर अवेलेबल ऑन द ज़िया वर्ल्ड वेबसाइट, एंड द वेबसाइट एड्रेस इज www.ziaworld.in। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डन प्रैक्टिकल ऑफ टूडेज क्लास टॉपिक। And again, thanks for watching. Thank you.